सागर में लोकसभा चुनावों के पहले पुलिस और एसएसटी की टीम के सर्चिंग अभियान में करीब 21 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इन रुपयों के सोर्स के बारे में छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले पुलिस की नोट जब्ती की पहली और बड़ी कार्रवाई है। चुनाव आयोग और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद कोतवाली थाना इलाके में टीआई राजेश सिंह बंजारा और मजिस्ट्रेट शुभम नायक ने रात में सर्चिंग अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान 11 लोगों से 21 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली है और इसको रखने वालों से रकम का सोर्स पूछा जा रहा है। वाजिब जवाब नहीं मिलने पर रकम राजसात कर ली जाएगी। सागर कोतवाली पुलिस और एवरेस्ट टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें सराफा और विभिन्न स्थानों पर सागर में चेकिंग की गई है, जिसमें एफएसटी टीम द्वारा 21 लाख रुपए जब्त किए हैं। मजिस्ट्रेट हैं शुभम नायक, एफएसटी टीम में वो जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत मैदानी कार्रवाई।